हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको HTML एंकर टैग के बारे में बताऊंगी। HTML एंकर टैग होता क्या है, जिसको हम ए टैग भी कहते हैं। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में जो हमारे पेजेस लिंक होते हैं आपस में, वो ए टैग से होते हैं, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, जैसे HREF, टाइटल एंड टारगेट। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है जो हमारे कंप्लीट वेबसाइट को आपस में कनेक्टअप करता है। कंप्लीट एक एक पेज आपस में जुड़ता है, या इमेज के क्लिक पे पेज का खुलना या इमेज के क्लिक पे इंफॉर्मेशन का आना, वो हमारा ए टैग ही बनाता है। तो देखते हैं इसको हमने लिखना कैसे है और चलाना कैसे है। तो हम वापस नोट पैड में जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है जिसमें बेसिक प्राइमरी टैग्स तो हम लिखते ही हैं। ये रहा ए टैग। ए टैग में अब जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पर लिंक कराना चाहते हैं, जो भी हम लिंक करना चाहते हैं, वो इसके नीचे लिखेंगे। और इसमें हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, अभी हम बात कर रहे थे, ये देखिए हमारे तीन एट्रीब्यूट्स के ऊपर बात करेंगे, HREF, टाइटल एंड टारगेट। तो HREF किस लिए लिखा जाता है? HREF जिस फाइल को हमने रेफर करना है उसका लिंक यहाँ पर आता है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बनाया था फाइल का नाम one.html। लास्ट हमारी एक फाइल, एग्जाम्पल फाइल हमने बनाई थी, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर एक टेक्स्ट या इमेज जिसके ऊपर ये क्लिक के ऊपर ये फाइल को खोलना है। तो अगर मैं टेस्ट लिखती हूँ तो ये टेस्ट दिखेगा। इस फाइल को हमने सेव किया और इस फाइल को हमने ब्राउजर में ओपन करना है। तो वापस हम ब्राउजर पे जाएंगे। ये फाइल है जिसको मैं लिंक कराऊंगी। और इस फाइल कहाँ से वो लिंक हो रहा है, ये फाइल का नाम है to HTML। तो इस टेस्ट के बाद वो फाइल मुझे यहाँ पर दिखेगी। तो ये दोनों फाइलें इंटरलिंक हो गई, यहाँ से ये खुलेगी। अगर यहाँ से वापस मुझे उस पर जाना है तो यहाँ पर भी हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बैक बटन से हम पीछे जाएंगे। अब इसकी कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम टाइटल एट्रीब्यूट भी लिखते हैं, जिसका बेसिक वर्क होता है इंफॉर्मेशन दिखाना। अब वो कहाँ दिखाएगा ये भी देखते हैं। सेव किया मैंने, अब इसको मैं रन करती हूँ। FI रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए, ये मुझे ब्राउजर इसके होवर पे, मतलब इसके ऊपर हम जब माउस को रखेंगे तो ये मुझे जो भी आपने टाइटल के अंदर लिखा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। तो कई बार ही हमारी वेबसाइट, जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर जहाँ जहाँ आप माउस को लेकर जाते हो, जिसके ऊपर आप क्लिक करने लगते हो, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि इसके क्लिक पे क्या है। तो नॉर्मली हम वही लिखते हैं इसके अंदर कि ये क्या करेगा। तो ऐसे करके मैंने टेस्ट लिख दिया यहाँ पर, तो ये आ गया। अब एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। वैसे टारगेट जिसका पर्पस होता है कि इस लिंक को कहां पर खोलना है। अब मैंने इसको सेव किया और इसकी आउटपुट देखते हैं अब क्या बनती है। ये देखिए, ये वन और ये टू। तो कहने का मतलब कि मुझे ब्लैंक पेज में इस फाइल को खोलना है, अदरवाइज ये इसी के ऊपर लिख रहा था, इसकी हट जा रही थी और उसके ऊपर हम बैक करके जा रहे थे। तो यहाँ पर हम टारगेट बताते हैं कि ये पेज खुलेगा कहाँ पर, जिसका नाम है LESSION1.html। तो वो नए पेज में, उसको ब्लैंक पेज में खोल देगा। ऐसे ही पेरेंट पे आ सकता है, ऐसे ही सेल्फ हो सकता है। तो ये रहे मेरे सारे के सारे HTML के एट्रीब्यूट्स। हमने इसके ऊपर बात करी।
थैंक्स अ लॉट। अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।